देवर जी इशारा कर रहे हैं तुझे, लगता है होली का रंग लगाना है। नहीं दीदी, हम नहीं जाएंगे। चलो, बड़ों का लिहाज तो है पर होली है, जा। दीदी, अरे जा, कुछ नहीं, जा जा। जी आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, आप भी ना, हम खाना रहा छोटी। माँ, देविका इस उम्र में मौज मस्ती नहीं करेगी तो कब करेगी। अच्छा, तुम लोग चलो अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। छोड़ना नहीं देवर जी। वैसे जब से देविका इस घर में आई है हर रोज होली है, हर रात दिवाली है ना। अच्छा, बहुत तरफदारी हो रही है उसकी। रुक देविका, रुक जा, भाग के कहाँ जाएगी, रुक। अब भागो कहाँ भागो, हैं? देखिए अजय, हमने कहा मत लगाइए। नहीं, होली का दिन, एक लड़की रंग खेल रही है, चेहरे पर खुशी और आसपास बिखरे हर रिश्ते के ढेरों उजाले, और अचानक ये उजाला गम की काली रात में तब्दील हो गया। अभी अभी जो मंजर आपने देखा उससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि देविका नाम की एक लड़की जो अपने ससुराल में एक सुखद जीवन बिता रही थी, उसकी जिंदगी में कोई भयानक घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां उस पर अत्याचार हो रहे थे। लेकिन क्या था देविका की इस हालत के पीछे का सच, ऐसी कौन सी दर्दनाक घटना घटी उसके जीवन में जो वो इन हालात की शिकार हो गई, आइए देखते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ की परंपरा है, लड़की के विधवा हो जाने के बाद उसके बाल काट दिए जाते हैं, तो आज देविका के भी बाल काट दिए जाएंगे। नहीं, हम अपने बाल नहीं कटवाएंगे। रुक जाइए, छोड़ दीजिए इसे। अरे, तुझे पता भी है कि तू क्या कह रही है? ठीक कह रही है मावो, कैसी दकियानूसी बातें कर रही हैं? आज सबको अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार है, अगर वो नहीं चाहती ऐसा करवाना तो जबरदस्ती क्यों की जा रही है? और वैसे भी माँ, जो भी हुआ उसमें इस बेचारी का क्या दोष, इसकी जिंदगी तो वैसे ही उजड़ गई, इसे और दुख मत दीजिए। दीदी, आप नहीं जानती कि आपने आपने हम पे कितना बड़ा एहसान किया। ऐसा क्यों कहती है देविका, तू मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। ऐसे अब जब अजय नहीं रहे तो हम यहाँ इस घर में रहकर करेंगे भी क्या? दीदी, हम अभी पापा के साथ चले जाएंगे,
हम नहीं रुकेंगे यहाँ। ऐसा क्यों सोचती है पगली? ये तेरा घर है, तू यही रहेगी। तू इस घर की छोटी बहू है और यहाँ रहने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं दीदी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम मम्मी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। देविका आपके घर की बहू है, आप लोग उसके बारे में जो सोचेंगे सही सोचेंगे। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए देविका, अब हमारी जिम्मेदारी, हम उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आप बेफिक्र रहिए। मम्मी पापा, आप लोगों के बिना हम यहाँ क्या करेंगे? हमें अपने साथ ले चलिए ना प्लीज। मम्मी हमें साथ ले चलिए प्लीज पापा। पापा, मम्मी मम्मी पापा, हमें अपने साथ ले चलिए ना। जहाँ एक और हमारे समाज का एक तबका तेजी से बदल रहा है, तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा है, खेल हो या व्यापार, हमारा देश हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे देश की लड़कियां भी हर क्षेत्र में अपने लिए नाम और शोहरत हासिल कर रही हैं। वहीं समाज का एक तबका ऐसा है जहाँ आज भी देविका जैसी मासूम इन दकियानुसी परंपराओं की जंजीरों में जकड़ी हुई है। ऐसी परंपराओं का समर्थन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की एक शर्मनाक कड़ी है, जिसका सावधान इंडिया पुरजोर विरोध करता है और आप सबसे भी अपील करता है कि इसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाएं। जिस वक्त देविका को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, उस वक्त वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। रंग बिरंगी साड़ी। अरे बाबा, मैं क्या जानता था कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद आएगा, तो मैं ये रंग बिरंगी बहुत सारी साड़ियां उठा लाया। मैंने सोचा कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगा। माँ जी, माँ जी, ये अब क्या करें? चुप रहे, अब ये पता चल जाएगा कि क्या कर रही हो। माँ जी क्या करेंगे आप, ये साड़ियाँ ये सब कितने सामान छपाती है। चल माँ जी, आप हमें कहाँ ले जा रही? जल्दी जल्दी हमारी बात तो सुनिए। अरे चल चल। ये ले, ए आज से इसी चटाई पर तुझे सोना है, समझे? माँ जी, आप हम पे इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? अरे जुल्म तो उस ऊपर वाले ने हम पर किया है, जब उससे मेरा बेटा और तुझसे तेरा सुहाग छीन लिया। और सुन, आज से यही तेरी जिंदगी है। जितनी जल्दी अपना लेगी ना, उतनी ही सुखी रहेगी और तेरी भी जिंदगी मेरी तरह कट जाएगी, समझी? Thank you.
सुनिए। हाँ। मैं मौसी जी के साथ बाजार सब्जी लेने जा रही हूँ। अम्मा मंदिर से आए तो आप बता दीजिएगा कि क्या खाएंगे। मच्छी बना लो ना, देविका को भी पसंद है मच्छी। पर देविका तो ये सब। आइए मासी। पूछा है ना, तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा था, मैंने सोचा मैं मदद कर दूं। मतलब मैं डाल देता हूं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो। देविका तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? माँ वो पूनम बाजार मच्छी लेने गई है, बोल रही थी माँ तो बता देना। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देख रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, शादी के बाद लड़कियां ये सिंदूर लगाती हैं, लाल चूड़ियां पहनती हैं, तड़कते भड़कते रंग, चेहरे पे इतनी लाली क्यों? ताकि पत्नी अपने पति को और भी खूबसूरत लगे, इसीलिए। अच्छा लेकिन इससे फायदा क्या होगा? आप भी ना हटिए। नहीं नहीं, अच्छा बताओ ना कि लड़कियां शादी के बाद अपने ऊपर ये तड़कते भड़कते रंग लपेट कर क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है क्या चाहते हैं कि पति क्या करे। मैं बताता हूं, लेकिन अब ये सोच के इतनी भरी जुबानी तो के लिए काटेगी कैसे? अरे मैं तेरे को खुश रखूंगा। दीदी दीदी माँ जी, दीदी तेरा पति ही इस पर फिसल गया, अब जितनी जल्दी हो सके इसको वापस इसके घर भेज देना चाहिए, समझी? जैसा आपकी मर्जी माँ जी।
देख लीजिए, अगर आप लोगों को अपनी बेटी को घर ले जाना है तो। देखिए हमारी बेटी है, ले जाएंगे, पर उसके आगे दो दो बेटियां खड़ी हैं, एक की 3 महीने बाद शादी है। अब ऐसे में देविका का वहां होना आप समझ रहे हैं ना। देखिए चिंता मत करिए आप, देविका हमारी बहू है, कोई सड़क पे थोड़ी ना पड़ी है। तेरा कसूर नहीं है, तेरी खूबसूरती ही तेरी दुश्मन बनी। अब तो एक ही रास्ता बाकी। नहीं मौसी, अब कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी जिंदगी इसी 4 दीवारी से शुरू होती है और इसी 4 दीवारी पे खत्म। नहीं बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही द्वार खुलता है, प्रभु का द्वार। हाँ, अब तुम्हारी सारी जिंदगी प्रभु के चरणों में अर्पित हो सकती है। लेकिन मौसी। बेटा मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ तुम जैसी बेसहारा औरतों को सहारा दिया जाता है। अरे वहां कम से कम तुम इंसानों की तरह तो जिंदा रहोगी। मौसी पर सासू माँ। अरे तुम्हारी सासू माँ भी यही चाहती है। देविका के लिए अब इस समाज और इस घर में जीना मुश्किल होता जा रहा है, जहां उसकी इज्जत के साथ साथ उसका आत्मसम्मान, उसका आत्मविश्वास सभी कुछ खतरे में था। अब उसे ना तो अपनी ससुराल से कोई सहारा मिल रहा था और ना ही अपने माता पिता से। परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि उसके सामने दो ही रास्ते बचे, या तो अपने आप को अपने जेठ विक्रम के हवाले कर दे या फिर मौसी की बात मानकर यहां से कहीं दूर चली जाए। जाहिर है ऐसे में उसने दूसरा रास्ता ही अपनाया और मौसी के साथ उत्तर प्रदेश के एक विधवा आश्रम में रहने चली गई, जहां उसे यह आश्वासन दिया गया कि वो एक इज्जत की जिंदगी जी पाएगी। विमला, इस बच्चे को इसका कमरा दिखाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी हमारा नाम देविका है। सुन रहे देविका, जैसा कि तूने देखा यहाँ जो भी रहता है उसे अपना काम खुद करना होता है और खुद ही कमा कर लाना पड़ता है। इसलिए मैं तुझे कल ले जाऊंगी और सिखाऊंगी कि कैसे कमाना। अरे देविका, ये क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है कि तुम ये सब काम करते हुए अच्छी नहीं लगती, तुम सिर्फ एक काम करते हुए अच्छी लगती हो, मुझे प्यार करते हो।
बेटा क्या हुआ, तू आज काम पर नहीं गई? देखिए हमारे पति ने हमें बहुत ही प्यार से, लेकिन बेटा अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस बात को तुझे स्वीकार करना होगा। बेटा देख, तुझे ये काम पसंद नहीं है ना, मत कर। हम ऐसा करते हैं, तू प्रभु की माया में अपना दिल लगा ले, प्रभु खुद ब खुद तेरे सारे दुख दूर करेंगे। हाँ चल तुझे कुछ दिखाती हूँ। अच्छा देख कैसे यहाँ सभी औरतें अपना हर दुख भुलाकर प्रभु से मोह करती, उन्हीं के साथ अपना सारा जीवन व्यतीत करती, तू भी इनमें शामिल हो जा। लग रहा सब प्रभु की माया है। तू अपने पति अजय से बहुत प्यार करती है ना, तो बस सिर्फ उसी के बारे में सोच। वो आएगा, तेरे सपने में आएगा और तुझसे खूब सारा प्यार करेगा। वो आएगा बेटा, सोच। चलो हाँ दीदी, बोल बेटा। दीदी वो हमारे सपने में अजय आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो सच था या फिर हमारा वहम। बेटा कितने दिनों के बाद तेरा चेहरा जरा सा खिला, वो सच था या वहम इसकी चिंता मत कर दू। मुझे खुशी मिली ना, तो और कुछ मत सोचना, बस इसी तरह श्रद्धा से प्रभु की पूजा कर, तेरे पति रोज तुझसे मिलने आएंगे। जो देविका के साथ हो रहा था उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना तो साफ था कि देविका की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक बार फिर से उसका विश्वास तोड़ा जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसे इस बात की भनक तक नहीं थी, हर रोज वही सिलसिला दोहराया जा। देविका हर सुबह असमंजस में उठती, उसे लग रहा था कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन जब भी वो गंगा से इस बात का जिक्र करती, गंगा उसे ईश्वर की भक्ति और अपने पति का प्रेम याद करके जीवन बिताने की सलाह देती। देविका को कुछ समझ नहीं आ रहा, और इस बीच एक बात और जो उसे खटक रही थी वो थी विमला का उसे यूं देखना, मानो वो उससे कुछ कहना चाहती। आखिर क्या कहना चाहती थी विमला? देविका
ए देविका इधर आ। घबरा मत, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद? हम तो यहाँ बहुत खुश हैं। देविका, तुझे सच नहीं पता, इस आश्रम में बहुत से राज छुपे हैं जो सिर्फ मैं जानती हूँ। कैसे राज? मैं ज्यादा कुछ तो तुझे बता नहीं पाऊंगी, लेकिन आज शाम को पूजा के बाद प्रसाद मत खाना। प्रसाद खाने के बाद तुझे बहुत नींद आती है और फिर उसके बाद तेरे साथ क्या क्या होता है ये तू नहीं जानती है। क्या क्या होता है मतलब? सच जानना है तो प्रसाद मत खाना। बेटा आज पूजा में नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खुद प्रसाद लेके आई हूँ। लो प्रसाद, लो खा लो बेटा। सच जानना है तो प्रसाद मत खाना। गंगा दीदी, ये लो 1500 रुपए। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगी, दूसरे का बताओ। चलती के दिया। आज कुछ नया आजमा लो, देखो। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगी। तो आपको वही पसंद है, कोई बात नहीं, चाहिए कमरे में। और प्रसाद में नींद की गोली मिला दी है, इस वक्त गहरे नींद में है। अब देविका के सामने सारी बात साफ हो चुकी थी। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उस नशीली दवा का असर था जो उसे प्रसाद में मिलाकर खिलाई जाती थी। एक बार फिर देविका हालात की शिकार हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वहां से भागकर सारी बात अपनी जेठानी को बताने का फैसला किया। हेलो। हेलो दीदी। देविका तुम ठीक तो हो ना? नहीं दीदी, हम बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी समय बचा लीजिए, हमें ले जाइए यहाँ से। दीदी, देविका देखो रो मत, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? दीदी वो हमें ना। हेलो देविका, हेलो, क्या हुआ, कौन था? माँ जी, वो मेरी मथुरा वाली मौसी है ना, वो बीमार है, बस वहीं से फोन था। अच्छा, भाग जाएगी? चुपचाप बैठे रहना, आज से इसका खाना पीना बंद। आपका बहुत भला हो बहन जी, आप हमेशा खुश रहे। हमेशा खुश रहे बहन जी, आपका परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे, आपके घर में कभी दुखों के बादल ना आए, हमेशा हंसते रहे। भाग जाती। अरे तेरे मौसी को इतने सारे पैसे दिए हैं मैंने तुझे यहाँ मंगवाने के लिए, तू तो मेरे कुबेर का खजाना है, खजाना। जा ले जाओ इसे।
जो करना चाहते हो वो कर लो, फिर बोलना नहीं पैसे वसूल नहीं हुए। बिल्कुल ना डर, बता ना तेरे को पहले मेरी बात मान लेती तो ऐश करती ऐश, सौतन बना के रखता पूनम को, वरना ही नहीं मानी बात। देख आज कहाँ गई तू, आज आखिरी बार आया हूँ। पूनम देखो देविका यहाँ, हम तुम्हें खबर ही करने वाले थे, मैं से ये कह रहा था कि यहाँ क्यों है। मैंने से ये कहा कि अगर अपनी भाभी को बोलती ना तो वो नाराज नहीं होती, अच्छे से रखती। तो देविका कैसी है तू? बिल्कुल ठीक नहीं है दीदी, रोज रात को हमारे साथ जेठ जी। देविका उसे दुनिया की नजरों से बचाने के बजाय तुमने उस पर गंदी नजर डाली और आज तुम इतना गिर गए कि उसे यहाँ इस नर्क में ले आए। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमें इस नर्क से बाहर निकालें, हमें मुक्ति चाहिए इस नर्क से। देविका सुन, अगर तेरी बात में जरा भी सच्चाई तो मैं तेरी हर लड़ाई में तेरे साथ हूँ, इसके लिए तुझे आश्रम जाना होगा। ये बात बाद में भी कर सकते हैं। अब नहीं, लो इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। चलो देविका, आपराधिक षड्यंत्र रचने, मासूम महिलाओं को धोखे से के दलदल में धकेलने के अपराध के लिए गंगा को आईपीसी की धारा 120B और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 3, 4, 7 और 9 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सरकारी गवाह बनने की वजह से विमला को सजा में रियायत जरूर दी गई, लेकिन गंगा के अपराधों में इतने दिनों तक उसका साथ देने के लिए उसे आईपीसी की धारा 109 और 120B के तहत 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। देविका के जेठ विक्रम को आपराधिक षड्यंत्र करके देविका को फंसाने आईपीसी की धारा 354, 376 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही मौसी को भी आपराधिक षड्यंत्र में विक्रम का साथ देने के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये कैसी सोच है जो पति की मौत के बाद एक औरत के वजूद को ही नकार देती है, जब हमारा संविधान, हमारा कानून महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार देता है, तो फिर क्यों इन जगहों पर आज भी औरत को या तो सिर्फ मर्द की जायदाद या उपभोग की वस्तु ही समझा जाता है। याद रखिए, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगी, आप अपने शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी, हालात नहीं बदलेंगे। सावधान इंडिया देविका की बहादुरी को सलाम करता है और उम्मीद करता है कि देविका के संघर्ष की यह मिसाल समाज में एक सार्थक बदलाव की नई शुरुआत साबित होगी। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।